राम राम जी, मेरा नाम है नवीन पुनिया और मैं हैंडबॉल का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मैं इंडियन आर्मी में औहदेदार के पद पर तैनात हूँ। भाई मेरी पढ़ाई शुरू हुई लाडवा गांव में सरकारी स्कूल में और उसे मैं रुझान बना हैंडबॉल खेलने का। 2004 में हमने हैंडबॉल शुरू करी। हमारा कोच था एक डीपी थे जय भगवान पन्नू जी। जब स्कूल में नए नए देखा करते कि भाई जो खेल वाले बालक उन्हें कोई कुछ नहीं टोकता, पूरे मजे। अगर स्कूल में लेट भी आओ तो भी सारे कहते हैं कोई बात नहीं भाई, गेम वाला लेट आया है। अगर वो ड्रेस नहीं पहन रहा तो भी कह दे कि यार यो ड्रेस नहीं पहन रहा, कोई बात नहीं छोड़ दो। जब देखा है जब हम स्कूल में लेटा हुआ तो मास्टर डंडे मारे है। सोचा यार खेल में बड़े मजे, उस तरीके हम खेल में घुसे, बहुत अच्छा रुझान मिला, आगे आगे बढ़ते रहे। उसके बाद हम एशियन गेम खेले, एशिया गेम में मेडल आया, पूरे मजे आए भाई। मैं बचपन में सम गणाया था जोड़ मनाना, हमारे ढावाड़ा जोड़ बोलिया करते गाँव में। उसमें जैसे छुट्टी होनी आते एक तिशनल बनाया कर दे नू चिकनी माटी की, उसमें पानी गड़ के वाले तिशनल बनाया कर दे, सीधे उसमें तिशड़ा कर दे। उस टाइम ना तो युद्ध था, अगर भाई तेरा पच्छा जैसेगा तेरे कच्छे पटेंगे, कुछ नहीं, फूल मजे वैसा के ऊपर बैठ के तिरना। सबसे ज्यादा प्यार दुलार मिला हमने मेरे दादा दादी का, उन्हें आज तक मतलब कोई भी कमी नहीं आने दी मेरे तक। याद इतनी है जैसे कई बार के था खेला मजा कर दे, इतना घर का इतना भी था नहीं क्योंकि मिडिल क्लास परिवार के, इतना सिस्टम था नहीं। तो जब घर वालों ने देखा तो इतना पैसे घर पास थे नहीं, फादर ट्रैक्टर चलाया करता, तो दादा दादी अपनी सपोर्ट कर दिया करते थोड़े बहुत रुपया में अगर जरूरत पड़िया कर दी तो, क्योंकि तनख्वाह मिला करती बुढ़ापा पेंशन उसमें कर दिया करते, बहुत हेल्प कराया करते। और कई बार कोई अगर गलती कर दे बाई चांस छोटी मोटी गलती कर देते तो माँ बाबू तो बचा लिया करते। फौज में जाने की रुचि मैं यूँ नहीं कह सकता, बचपन से मेरी फौज में रुचि थी। मैं जब छोटा सा था चौथी क्लास में था शायद, मैं मामा का उधर पढ़ा करता डाणी बिंजाल फतेहवाज के पास है, वहाँ पर एक फौजी शहीद हुआ था लैस नायक महावीर डाणी डोंट से शहीद हुआ था। जब उड़ जाके देखा मैंने उसकी शव यात्रा निकल रहा है, सारे जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कारगिल का युद्ध हो रहा था उस टाइम, तो जाके देखा भाई एक बहुत अलग सिचुएशन थी वहाँ। तो उसमें एक जज्बा आया कि यार मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊँ, और आज सौभाग्य मिला मैं इंडियन आर्मी में। गाने का शौक था कि पहले एक सत्संग हुआ करते गांव में नंदन सतगुरु के, उसमें जाया करते नू भाई बड़े बिस्कुट मिलेंगे जो सत्संग कदम में बजे बिस्कुट मिला करते। पर उसके बाद वो रुझानिश्ता बनता रहा, मतलब जो लुगाई थी चाची ताई थी बड़ा सत्संग कदम में बजे सर पूछना आया करती भाई बहुत बढ़िया गाँव है छोरा। तो उसके बाद जब गाँव में आया करते कितने कीर्तन हुआ करते बाबा के माता के, ओड़े भी ले जाया करते कोई 10 रुपये ले जाया करते भाई बहुत बढ़िया गाँव छोरा। ये सिस्टम बनता रहा गांव में रागणी कंपटीशन हो, मेरे गांव लडवा गांव है वहाँ गौशाला बहुत फेमस है, वहाँ पे सांग होते रहते थे। उन संगा में देखा भाई वहाँ पे मेरे जो मैंने गुरु बनाया जिनको मोहन शर्मा जी, बहुत अच्छी रागणी गाया करते, दत्तर शंकु थे बड़ी अच्छी रागणी गाया करते। मतलब जाके देखा बड़ा मजा आया उसमें, उन्होंने बढ़िया मौका दिया रागणी गाने का मौका मिला। उसके बाद बस गाँव में बढ़िया जितमन की रागणी गा के एंडबुल मैंने 2004 में स्टार्ट किया था। मेरे साथ था अशोक पुनिया, संदीप पुनिया, हरीश पुनिया, हमने स्टार्ट की लडवा गांव में हैंडबॉल। और हैंडबॉल क्योंकि उस टाइम बहुत नया गेम था, हैंडबॉल जानते नहीं थे भाई हैंडबॉल है के नाम गांव में तो पता भी नहीं था भाई हैंडबॉल क्या है। हमने स्टार्ट किया, स्ट्रगल शुरू किया और हैंडबॉल उस कदर तक पहुंचे हम कि आज मेरे गांव के कम से कम 20-22 बालक जॉब करें इंडियन आर्मी में। और दूसरा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया हैंडबॉल का, हमने स्टार्टिंग में स्कूल नेशनल, हमने स्कूल में बड़ा कॉम्पिटिशन था इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमने उसमें बहुत अच्छा अचीव किया, जीत के आए गांव में। एक बड़ी किस्सा बता रहा हूँ आपको कि हमारे गांव में सरपंच थे रफड़ पुनिया, उन्होंने पहली बार हमारे को एक किट दी थी, इतनी खुशी थी उस किट की। अब जब भी मतलब कि बारात में जाना तो वह किट पहन के बिक जाया करते, उसके ऊपर इतना बड़ा साथी भी लिख रखा था भेंट करता सरपंच रफड़ पुनिया लडवा हिसार। मतलब इतना मजा था उस चीज का कि भाई वो पहन के बारात में चले जाना, आगे फिर सुपालिनी सुबह ग्राउंड में पहन के जाना। और गेम में इतना अच्छा, मतलब उसके बाद नेशनल में मेडल आया, मैं मध्य प्रदेश से खेला, उसके बाद एशियन गेम खेला, एशियन गेम में बड़ा अच्छा मज़ेदार किस्सा रहा। और मेरा जो किस्सा है जो सुना होगा आपने, इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडोनेशिया में मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, हर एक के अगर आप भी चाहो कोई भी जो सुन रहा है वो चाहे भाई सभी की एक बात बोलते हैं, पाकिस्तान तो नहीं आप किसी तभी हार जाओ। मैच चल रहा था, मेरे यार दोस्त सबके फोन आए भाई चाहे तुम्हें सारे मैच हार जाओ कुछ खेलो ना खेलो हार के आगे तो देख लियो। मैच चल रहा था बढ़िया फंस के मैच चल रहा है, एक बार पाकिस्तान ऊपर एक बार हम ऊपर, मैच बराबर।
लास्ट 10 सेकंड बाकी थी, मतलब मेरा भी बड़ा कॉन्फिडेंस था क्योंकि हरियाणा का छोरा हूँ, गर्मी है, मैच बराबर चल रहा है, 10 सेकंड बाकी है, रिस्क है, अगर गोल मार दिया, अगर वो नहीं लगा तो हार का जिम्मेवार मैं खुद हूँ, रिस्क कोई ले नहीं रहा भाई। भगवान ने के सोची, मेरे कर्म माता पिता के कर्म काम आए, वो लास्ट सीजन में बाल मेरे घुमली, मैंने गोल मारा, टीम इंडिया जीत गई। उस टाइम बड़ी खुशी हुई थी, बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि एंड बॉल ना इतना कोई जाना नहीं करते, पर उसके बाद मतलब मेरा भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद कभी मीडिया वाले आ रहे हैं, कभी भाई सुशील पहलवान, बजरंग पुनिया, योगेश्वर दत्त, सानिया मिर्जा, सारे मिल रहे हैं, भाई आप बहुत अच्छा काम किया, कभी मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं, बड़ा बड़ा स्वाद है भाई। उतार चढ़ाव हर एक इंसान की जिंदगी में हुए हैं, क्योंकि घर का इतना बड़ा सिस्टम था नहीं भाई, हम गेम खेल सकें या कहीं तक जा सकें। मेरे को पता है हिसार मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर है हिसार स्टेडियम, पूरा प्रैक्टिस करना आया करते, तो पहले तो सिस्टम था भाई ऑटो वाले ले आकर दे 5 रुपये किराए के, उस टाइम की बात है, बस में आकर दे बस लटक के आ करते बस में, पर सिस्टम की होया भाई घरवाना तो बात बूत करके पहले भाई साइकिल ले ही 450 रुपये की, इस साइकिल तो ले ली हिसार तक, साइकिल पर आना, साइकिल वापस जाना महावीर स्टेडियम में, ये वो साइकिल पंचर भी हो जाकर दी, नहीं टर ग्रहण का सिस्टम नहीं है, तो मतलब बड़े सिस्टम हुए। फिर कहता जूस, कोच बोला करते भाई बढ़िया प्रैक्टिस करो, जूस पियो प्रैक्टिस के बाद में, पर हमने पता है जूस का गिलास 10 रुपये का होगा, और डेली के 300 रुपये हो गए अगर डेली एक गिलास पियो, तो मतलब खुद ही मन नहीं माना करता भाई जूस पियो, मैं करा जाके लस्सी पी ली, कुछ भी कर लिया। और एक बार क्या किस्सा होया स्पोर्ट्स के बाद, उतार चढ़ाव कैसे आया, एक बार फुल प्रैक्टिस कर रखी कोच ने, बिल्कुल जब ट्रेनिंग हुई मरी हुई ट्रेनिंग हुई, मतलब चला नहीं जा रहा, इतने पैर दर्द कर रहे थे, और वहाँ घर जाके देखा, घर वाले बोले भाई अपने खेत में पानी लगे ना उड़े बीच, थोड़ा बांध हो रहा पूरा, और बांध में नहीं नहीं डोड़ बांधा तो उसमें क्या है पानी टूटता रहा बार बार में, जब कसी लेके वो लागे बांधो पानी रुका नहीं, और इतने ही मत भी नहीं एक बार खड़ा भी हो जाऊँ, और तो उस दिन बैठ के डोड़े पर रोया भाई, ये भगवान भाई वो काम तो को नहीं हो। उस दिन मन में ठान ली भाई अगर खेती नहीं कर सकता तो मैं जो ग्राउंड है उसमें इतनी मेहनत कर दे आगे वो काम करना ही नहीं पड़े, और आज भगवान ने सुन ली। हाँ मैं सिंगिंग के बारे में बताऊँ, मैंने एक पहला गाना काटा था आजाद खंडा केडी जी का था, मतलब मैंने देखा बारह गाने को बढ़िया रुझाना रहा, फिर गाने का रुझाना गया, हम सुना करते केडी भाई के राजू पंजाबी के बढ़िया दौर आया था, बढ़िया गाने आए थे, फिर मैंने एक पहला गाना काटा था आजाद खंडा केडी जी का लिखा हुआ था देसी वर्सेस कुकरे, मतलब था वो एक हमारे जेड़ी और गंडाशा तो भी पानी भरती रहे, वो बढ़िया चलिया, मतलब आसपास के यार दोस्त भी कहने लगे यार बढ़िया गाया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद फिर एक मैंने गाना काटा था आर्मी के ऊपर, एक ड्यूटी सरकारी, उसका बड़ा मजा आया, पूरे पूरे इंडिया से फोन आए भाई बहुत बढ़िया गाना काटा फौजियों के ऊपर, एक फौजी की लाइफ बताई गई, फौजी क्या जिंदगी है उसको, अपने बॉर्डर पर भी देखना पड़े अपना घर भी संभालना पड़े। फिर उसके बाद एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, सभी ने उसको प्यार दिया, उसके आज 12-13 लाख भी हो गए हैं, बड़ा अच्छा मेहंदी वर्सेस खून, उसकी टिकटॉक पर भी बहुत ज़्यादा वायरल होया, वो यूट्यूब पर बड़ा वायरल होया, और अभी एक और नया सॉन्ग आ रहा है कास्ट वर्सेस लव, उसमें समाज की बुराई दिखाई है, अगर भाई कोई लड़की ने लेके बाजे है अपने परिवार के, परिवार को नहीं देखता वो, लड़की के प्यार के चक्कर में घरवालों को छोड़ दे है, पर लास्ट में काम तो वो ही आने हैं जिन्हें पाया है। ये एक बात और बताऊँ कि किस्मत की बात वो है, मतलब मेरा मेरी शादी हुई है बटेसरा गाँव में, मेरी वाइफ का नाम प्रीति है, मतलब ये बोलते हैं ना बस जिंदगी में जो लुगाई है लक्ष्मी रूप वीर का उससे गर्व होना चाहिए, पंडित लक्ष्मी चंद की बहुत अच्छी बात थी, मतलब जब अच्छी अगर अच्छी लेडीज अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो वह पूरी जिंदगी बदल सके। मतलब शादी से पहले मेरा इतना सिस्टम नहीं था, इतने कर्म मेरा साथ नहीं दिया, प्रैक्टिस तो मैं करूँ था पहले भी, पर जब शादी होने के बाद लाइफ ही चेंज होगी, मेरा नेशनल में मेडल आया, उसके बाद इंटरनेशनल मेडल आया, मतलब पूरी लाइफ चेंज होगी। मतलब भाई ये है कि अगर आपकी नीत साफ है, आप अपनी जगह ठीक हो, अगर आपके साथ अपनी वाइफ के आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो आप बहुत अच्छी अचीव कर सको। उसके बाद मेरी लड़की हुई, अभी 3 साल की होगी है, लड़की होने के बाद लाइफ में मतलब बहुत कुछ खुशी प्राप्त हुई, कोई इसका कोई तोड़ नहीं, मतलब हर जगह अचीवमेंट मिली, ना कोई पैसे की तकलीफ हुई, पूरे मजे आए, मतलब अपनी लाइफ में अपने बालक अपनी वाइफ अपने माता पिता का सहयोग, अगर सबका सहयोग मिला तो हम कुछ भी अचीव कर सकते। और मैं जो आज की जनरेशन उसने एक बात करना चाहूँगा भाई, हम स्टार्टिंग तक एक बात बोलते आए हैं, और स्टार्टिंग में सारे हमारे जो टीचर हैं हमारे माँ बाबू हैं हमारे रिश्तेदार हैं सारे एक बात कहूँगे भाई मेहनत कराया कर मेहनत कराया कर, पर मेरा एक इस बात की टीस थी भाई मेहनत होगा कि है
मैंने जो भी टोके जिसने भी टोक लेता मैं भाई मेहनत के चीज हो गई बता तो दो, पर मैंने कोई स्टिक जवाब दे नहीं पाया इस चीज का। पर मेरे नजरिए तो मैंने एक चीज जो करके देखी मैंने खुद की तरफ से मेहनत यह चीज हो है, और जो भाई देख रहे हैं मैं बताना चाहूंगा मेहनत भाई मेरे नजरिए में यह है अपना कोई एम फिक्स करके या अपना एक टारगेट निर्धारित करके उसके प्रति कराया गया काम उसके लिए हमने अपने सारे ऐश आराम छोड़ के जो काम करते हैं अपने टारगेट के लिए उसको मेहनत कहते हैं भाई। गेम का जो सिस्टम है जैसे हमने गेम स्टार्ट करा था हम एक बिल्कुल मतलब मिडिल क्लास फैमिली था, हाँ मिडिल तक भी नीचे थे, ये नहीं बोल सकते भाई मेरे को मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ऊपर तक जाऊंगा। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करा हाँ तो मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में रुकावट भी आएगी, अगर आप पढ़ रहे हो तो भी रुकावट आओगी, जिंदगी में रुकावट बहुत आई, अगर आप गेम में आगे बढ़ रहे हो तो आपको खींचने वाले भी मिलेंगे, अगर आप सिंगिंग में आगे बढ़ रहे हो तो आपको उधर भी खींचने वाले मिलेंगे। आपने हर एक चीज को इग्नोर करके बस अपनी मेहनत पर ध्यान दे के अपनी सोच पर ध्यान दे के मतलब आपने कहीं भी गलत नहीं होना अगर आप इतना कुछ अच्छा करो हो। नए नए बालक हैं आज के टाइम देखो अभी हर एक के अंदर अभी गेम के प्रति लहर बन रही है कि देखो कितना नाम हुआ है, अगर आप खेलना में अच्छा करो आप या सिंगिंग में अच्छा करो पढ़ाई में अच्छा करो हो तो आपके मदर फादर का नाम आपके गांव का नाम आपके जिले का नाम आपके प्रदेश का नाम आपका नाम सबका नाम हुआ है, कितना मजा हुआ है। आज के टाइम अगर कोई मैंने बोला है भाई यो तो लाडवा गांव का है, लाडवा गांव से अगर कोई बोलता है यही शहर का है फिर बोला हरियाणा का है, अगर बाहर के जा रहे बोला इंडिया का है, बड़ा बढ़िया फील हुआ है। तो भाई जो आज के टाइम जो युवा है उन्हें बोलना चाहूंगा नशे पत्ते दूर रह गए, नशा करो पर अपने जुनून का करो अपनी मेहनत का करो उस चीज के प्रति फोकस रखो अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, अगर आप जिंदगी में कुछ अचीव कर जाओगे तो सब कुछ आपके पीछे घूम जाएगा। तो भाई इस बात का मैं सबका घना धन्यवाद करूंगा सटेज ऐप का जो मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंचाने लग रही है, और भाई बहुत बढ़िया ऐप है अपनी बोली की ऐप है, हमने बड़ा कॉन्फिडेंस फील हुआ है मतलब बड़ा अच्छा लगा है बहुत भाई कोई अपनी बोली की भी ऐप है। तो सारे भाई इसने डाउनलोड करो अपने लोगों तक पहुंचाओ अपने बूढ़े बडेरान दिखाओ, इस पर सारी चीज है रागणी है किस्से है कविता है सब कुछ है, मजा आ जाएगा जमा।